सास बहू और बेटिया के सभी दर्शकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, आई मीन मेरी क्रिसमस। आज हमारे साथ है रिया दीप सी और उनके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। यूजुअली क्रिसमस पे क्या होता है बताओ, तुम ही बताओ क्या होता है। क्रिसमस में मैं केक का इंतज़ार करती हूँ, कुकीज़ का इंतज़ार करती हूँ और कप केक्स का इंतज़ार करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ़ यू, अब मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम ऑलरेडी हियर इन हैप्पीनेस दिल्ली, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। आई लव बेकरीज, बेकरीज इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई बेक। And apparently, like, I hope my family and my friends, they say that I'm a good baker. Okay. So I'm very nervous and I'm excited at the same time because for the first time, I'm going into the kitchen of a bakery and I'm gonna help them, you know, in the baking and in the making of our Christmas cake. न्यू ईयर की बात हो, क्रिसमस की बात हो, तो हम सबको केक्स बहुत पसंद है, कुकीज़ बहुत पसंद है और इसीलिए हम एक ऐसे स्टोर में आ गए जो फुल ऑफ केक्स एंड कुकीज़ है और यहाँ पर खुद रिया अपने हाथों से केक बनाने वाली है। हाँ, लेकिन खाएंगे हम लोग यहीं से कोई उठा के। श्रुति खिला रही है मुझे, है ना, वो आई थिंक वो हैमर वाला केक। आज फुल टेस्ट होने वाला है रिया का बिकॉज शी सेड कि बहुत अच्छा बेक करती है, तो लेट्स सी कि किस तरह से बेकिंग होती है। प्लीज डोंट जज मी यार, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन द प्रोफेशनल किचन, ओके, डोंट, जस्ट डोंट। तो चलिए काम करते हैं, सीधे किचन में चलते हैं और देखते हैं कि कितनी बेकिंग होने वाली है, किस तरह से होने वाली है और कैसे सजाती हैं ये खुद अपने खुद के केक को। रेडी? यस, एक्साइटेड, लेट्स गो। मेरी क्रिसमस, इट्स सो क्यूट एंड ओ वाओ, आई हैव केक्स वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पे केक्स भी है और क्रिसमस वाला फील भी है। किचन में यूजुअली ऐसा होता नहीं, लेकिन क्योंकि रिया आ रही थी तो एकदम फुल ऑन रेडी किया हुआ है पूरा किचन आपके लिए रिया। थैंक यू यार, यू मेड माय डे, दिस इज सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो देखिए, केक का बेस बनाना तो ऑलमोस्ट सबको आता ही है, लेकिन हाउ टू डेकोरेट इट, दैट इज द बिग टास्क जो यहाँ सास बहू बेटा देने वाला है रिया को। So, मैं एक फनी बात बताती हूँ, मैं बेक बहुत अच्छा कर लेती हूँ, जहाँ आर्टिस्ट बनने की बारी आती है वहाँ मैं थोड़ा गड़बड़ कर देती हूँ। सो यू आर गिविंग मी अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज टुडे, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो हमारे पास एक वाइट केक है, एक चॉकलेट केक है और लॉट्स ऑफ कप केक्स ऑल्सो देयर, तो आपके लिए काफी सारे टास्क हैं। आर यू रेडी फॉर ऑल दैट क्रिसमस टास्क? यस, आई एम रेडी एंड एक्साइटेड। हाय, तो चलिए शुरू करते हैं केक की डेकोरेशन एंड ऑल, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो क्या करना है, who's gonna guide me? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रुति बहुत स्मार्ट निकली, उन्होंने मुझे सबसे डिफिकल्ट चैलेंज दिया है, वो है डेकोरेट करने का। बट श्रुति, आई टेक योर चैलेंज। मैंने कैप पहन ली है, मैंने एप्रन पहन ली है और मेरे साथ हैप्पीनेस दिल्ली की स्टाफ है जो मुझे गाइड करने वाले हैं। श्रुति, आई टेक योर चैलेंज। ऐसा लग रहा है जंग पे जा रही हूँ, बट देखना जीत के आऊँगी। ऑल राइट, सो सास बहू बेटिया के चैलेंज के लिए आप रेडी हो? हम देख सकते हैं एकदम जंग के लिए तैयार हो गई है रिया। जंग ही है कि मतलब तुमने मुझे इतना डिफिकल्ट चैलेंज दे दिया है डेकोरेट करने का, और यही एक चीज़ है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। But I'm ready with my cap, I'm ready with my apron and I have Happiness Delhi ka staff with me who will guide me with this. And Shruti, you'll lose. I'm telling you. Okay, let's start. Sabse pehle, let's have a gloves. Yes, because safety is very, very, very important. So, सो केक के डेकोरेशन के लिए सबसे ज़रूरी है फ्रॉस्टिंग।
Now we have white frosting, chocolate frosting and green frosting. But it's Christmas, so हमें red frosting भी चाहिए. तो अब मेरे साथ हैं तेजल, जो मुझे गाइड करने वाली है कि रेड फ्रॉस्टिंग कैसे बनाते हैं. बताइए क्या करना है. विप क्रीम के अंदर रेड कलर. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज विप क्रीम एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द रेड कलर. कितना करना है बस? नहीं नहीं, अच्छा खासा रेड हो जाएगा, बहुत डाल दिया मैंने. एंड दिस इज हाउ वी फोल्ड. ऐसा मैंने YouTube पे देखा था कि ऐसा फोल्ड करते हैं ताकि उसके अंदर के जो बबल्स होते हैं वो फूटे नहीं, है ना? ऐसा कुछ है ना? Yay! See? YouTube जिंदाबाद. ओके, सो दिस इज गेटिंग मिक्स्ड. नहीं नहीं, और रेड नहीं करना है. दिस इज लुकिंग सो क्यूट. और रेड करना है क्या? दिस क्यूट नो. ओके, ये मिक्स भी हो गया आई थिंक अच्छे से, है ना? सी, सो अब मुझे केक डेकोरेट करना है. पाइप बना के रखते हैं. सो लेट्स मेक अ पाइप. सो आई हैव डिसाइडेड कि पहले मैं केक्स पे काम करूँगी और उसके बाद कप केक पे. सो कप केक की फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो चुकी है. सो अब तेजल जो है वो रेड और ग्रीन फ्रॉस्टिंग रेडी कर रहे हैं और मैं अपने चॉकलेट केक पे काम करने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज माई चॉकलेट केक एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट मोर इरेसिस्टिबल एंड मोर यम्मी. यहाँ पे रिया ने तो एक केक ऑलरेडी रेडी कर लिया है. और ये कौन सा केक बनाया है? ये है नटेला फेरेरो रोशर केक. वाओ, लॉट्स ऑफ चॉकलेट इन इट. तो ये चॉकलेट, लॉट्स ऑफ नटेला. सो ये तो चॉकलेट स्पेशल हुआ, लेकिन नेक्स्ट कौन सा केक बनने वाला है? अब हम क्रिसमस स्पेशल केक बनाने वाले हैं. यस, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, यू आर गोना सी. We are eagerly waiting to see that कि वो कैसे बनने वाला है. So for all chocolate lovers, here comes the chocolate cake. Now it's time for Christmas cake. Yes, it's time for Christmas cake. Let's start. Thank you.
पहले हमने चॉकलेट केक बनाया, अब रिया ने बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिसमस केक बनाया विद द सांता क्लॉस ऑन इट। और अब क्या मतलब, तुम तो मान ही नहीं रही हो यार, अब तुमने चैलेंज ही मुझे इतना दिया हुआ है कि मैं क्या करूँ। सो आई एम ऑलरेडी रेडी विद माय थर्ड वेपन, कपकेक फ्रॉस्टिंग। वाओ, सो लॉट्स ऑफ कपकेक्स। आज तो हम ढेर सारे केक्स खाने वाले हैं, है ना? बहुत सारा, बहुत सारा। लेट्स स्टार्ट कपकेक। लेट्स स्टार्ट कपकेक्स। Chocolate man right here, and okay, and the bells, and the snowman. Ta-da! Here comes the cupcakes. Christmas special. Yes, Christmas special cupcakes. Yes, we are done. I accepted my challenge. I won. Shruti, या शी वन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कपकेक्स उन्होंने बनाए, बहुत ही ब्यूटीफुल केक बनाया है। अब इतनी सारी मेहनत की है तो अब बारी है सब इन्हीं को खिलाने की। डाइट गई साइड में क्योंकि रिया खाने वाली है सारे केक्स और कपकेक्स। सो शैल वी गो, लेट्स गो आउटसाइड एंड लेट्स ईट। दिस इज टू मच। केक तो हमने बना लिए, कपकेक्स भी बना लिए रिया ने, लेकिन अब बारी है क्रिसमस ट्री डेकोर करने की, बिकॉज इसके बिना क्रिसमस अधूरा है। सो क्या क्या सामान है आपके पास और कैसे डेकोर करने वाली हो इस ट्री को? मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कैसे डेकोर करने वाली हूँ, बट मेरे पास सामान बहुत सारे हैं। एज यू कैन सी आई हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डेकोरेट। सो लेट्स स्टार्ट, चलो क्रिसमस ट्री डेकोर किया जाए। We'll be right back.
तो जैसा कि आपने देखा, मैं हैप्पीनेस दिल्ली स्टोर पे हूँ और मेरे साथ है इंदिरा जी जो इस शॉप की ओनर है. सो इंदिरा जी, आई वांटेड टू टेल यू थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. बट यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द एक्सपीरियंस, हाउ डू यू फील अबाउट इट? अमेजिंग. आई रियली वांटेड टू बेक, मेरा बड़ा मन कर रहा था और यहाँ पे सब कुछ रेडी था. सो घर पे रेडी करना इज लाइक अनदर स्ट्रेस ऑल टुगेदर, बट यहाँ सब कुछ रेडी था, मुझे इतना मजा आया. इट वाज जस्ट लवली, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेलकम. वी सिट अगेन मैम. आई विल एंड आई होप यू ऑल विल टू. और बाय द वे, मेरा केक यहीं पे है तो खरीद लेना. तो सास बहू और बेटियाँ, चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हर तरह से आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है. और इसीलिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए रिया हमारे साथ है, रिया दीप्सी, जिनके साथ हमने यहाँ पे ढेर सारे केक को डेकोरेट किया. सोनी से पूछ लेते हैं कि सास बहू बेटिया के साथ मज़ा आया है नहीं? बहुत 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 मज़ा आया. मैंने केक डेकोरेट किया, मैंने ट्री डेकोरेट किया, मैंने कपकेक्स डेकोरेट किए. एंड आई वांट टू थैंक सास बहू एंड बेटिया एंड माय डियर फ्रेंड श्रुति एंड हैप्पीनेस दिल्ली फॉर हैविंग मी हियर. वाओ, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो आपका अमेजिंग रहा, लेकिन साथ ही में हम बात करें आपकी रिया. सो बहुत दिनों से ऑब्वियसली महाभारत तो बैक टू बैक सबने देखा ही है, जिसमें आपको ढेर सारा प्यार लॉकडाउन में मिला ही है. सो व्हाट नेक्स्ट? So there is something cooking. You might be seeing me in web series soon, but I will not share my details right now. So stay tuned. So Riya ko to hum web show mein dekhenge hi, lekin filhal inke liye ek aur surprise hai. Itne sare gifts ke aur surprises ki list mein there is one more. Aap soch honge ye kya hai? So there is gonna be a smashing cake for Riya. Smashing cake. Oh my god, okay, so I recently saw this cake somewhere and I really really wanted to smash that cake. So wow, I'm already excited. Let's go. So isse behtar Christmas kya hoga? Aap bhi isi tarah apne Christmas ko aur bhi sweet sweet manaiye, dher sare cakes khaiye, cookies khaiye, thoda wazan aur badhaiye aur saath hi dekhte rahiye saas bahu aur betiya. Kyun na apne viewers ko Merry Christmas wish kar de. Yes, wish you all a very 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 Merry Christmas, but let's go and smash some cake. कैमरा पर्सन नितिन वर्णी के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं. मुंबई आज तक, टाइम टू स्मैश.